हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो रहे हैं और अभी मैं कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था। मेरी वीडियो एडिट तो हो नहीं पा रही तो व्लॉग भी नहीं आ रहा। ऐसी बना लेता हूँ बाद में, जब लैपटॉप आ जाएगा मेरा तो एडिट करके फिर डे बाई डे डालता रहूँगा। और 12:30 हो रहे हैं और अभी थोड़ी देर में पुनित भी आ जाएगा। वो भी आज गाँव से आ रहा है तो वो भी 1:30 बजे तक आ जाएगा वो भी। और मैं भी अपने वाले लैपटॉप में कुछ कर रहा था, डाउनलोड कर रहा था कुछ। मैंने बहुत चीज़ें करके देख ली, बहुत सारी चीज़, लेकिन इसमें कोई एडिटिंग सॉफ्टवेयर चल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। शुरू में चलता फिर इतना हैंग करता है ना, कुछ पूछो मत। मम्मी ऊपर अभी कपड़े वगैरह धो रही हैं। मुझे लगा था कि इसमें चल जाता होगा, पहले कभी मैंने यूज़ नहीं करा था। मैं पहले वो वाला यूज़ करता था मैक, इसमें डाउनलोड कर रहा था, इतना हैंग करता है ना सॉफ्टवेयर, इतना हैंग, कुछ पूछो मत। तो अभी पुनीत आ जाएगा या तो मैं उसे लेने जाऊंगा या वो खुद ही आ जाएगा, तो जैसा भी होता है आपको बताते हैं। मिलते हैं आपसे भी थोड़ी देर में। तो गाइस, अभी पुनीत पहुंचने वाला है अनिल विहार, तो अभी मैं उसे लेने जा रहा हूं। और अभी खाना वगैरह हमने सबने खा लिया, मम्मी ने, मैंने, जतिन ने। अभी पुनीत आएगा तो वो भी खाएगा, उसे लेके आके फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, अभी पहुंच चुके हैं हम घर पे और गर्मी इतनी हो रही थी ना बाहर कि कुछ पूछो मत। आते आते मैं पूरा पसीना भीग गया, बाइक से गया था क्योंकि गाड़ी अभी है नहीं यहाँ पर, बाइक से गया था लेने। इसको ये गाएंगे पुनीत, देखो पुनीत गया वो, तो मिलो इससे। इसकी हालत बस ऐसी होगी ना, इससे पूछो कैसा रहा आज का सफर। गर्मी बहुत, गर्मी की वजह से ना कहीं गर्मी हो रही थी, कहीं बारिश हो रही थी। बारिश होने के बाद जो उमस से निकलती है जमीन में से गर्मी, भाई उसकी वजह से बहुत ही गर्मी हो रही थी। और ऊपर से जाम, बीच में इतना जाम लग रहा था ना कि कुछ पूछो मत। वो सही पता है कैसे कैसे निकल के आया है। तो गाइस, अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं, मैं मम्मी के दांत में दर्द हो रहा है तो उसकी दवाई दिलवाने जा रहा हूँ, डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ। तो अभी मम्मी ने बनाई है ये देखो दाल की पकौड़ी, ये देखो ये दाल की पकौड़ी है, ये हरी चटनी है, उड़द की दाल की पकौड़ी है, और वो लाल वाली चटनी है। और इन्होंने खा ली, कैसी लग रही है खाने में? कोई तोड़ी नहीं इसका। तेरी मम्मी ने आज मस्त मौसम कर दिया। इधर पापा, मैं, जतिन और हम सब बैठ के खा रहे हैं यहाँ पर छुट्टी, ऊपर से पकौड़ी। वाह, खाने के बाद फिर मिलते हैं। बारिश और हो जाती है, बिल्कुल मस्त हो जाता मौसम। तो गाइस, अभी मैं और मामा जा रहे हैं, हम जा रहे हैं करोल बाग, गाड़ी में सीट कवर वगैरह डलवाने हैं ना, तो इसलिए वहाँ जा रहे हैं और वहाँ जाके देखते हैं और कुछ क्या करवाते हैं गाड़ी में। तो गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ करोल बाग में। यहाँ देखो जाम कितना लगा रहा था पूरे में, हमने तो गाड़ी यहाँ चढ़ा दिया ऊपर, इसके सीट कवर देखेंगे हम यहाँ पर। ये देखो सारी दुकान है सीट कवर वगैरह की, मतलब गाड़ियों की सब चीज़ मिलती है यहाँ, कुछ भी ले लो यहाँ से, ऐसी सीट बनवा लो, ऐसी बनवा लो, जैसी मर्जी बनवा लो। ये देखो और भी सीट कवर आ रहे हैं, फिर दिखाऊंगा। तो गाइस, अभी हमने ये वाला सीट कवर पसंद कर लिया है, देखो ये वाला ब्लैक एंड रेड, क्योंकि गाड़ी भी हमारी ऐसी है ना ब्लैक और रेड, तो इसके साथ यही बढ़िया लगेगा भाई, पूरी चारों सीट पर चढ़ जाएगा ना, जब दिखाऊंगा देखो। तो गाइस, ये देखो हमारी गाड़ी की हालत क्या हो चुकी है, सारी सीटें खुल गई इसकी, ये देखो कैसी हो गई, अभी आगे चढ़ रही है। ये देखो हमारी गाड़ी में ना फॉग लैंप येल्लो है, तो हमें ये ब्राइट नहीं है इतने, हमें येल्लो में ही और ब्राइट चाहिए। तो ये देख रहे हैं भी, एक तो सीट कवर लगवा रहे हैं हम, ये देखो ये लगने वाले हैं, थोड़े थोड़े रह गए हैं पर यहाँ से लगवा रहे हैं, इन्हें लगाने नहीं आ रहे। पहले तो फॉग लैंप यहाँ है ही नहीं दुकान पे, तो ये देखो हमारी गाड़ी क्या लग रही है। ये देखो सीट कवर भी लगने वाले हैं बस थोड़ी देर में। तो भाई अभी यहाँ फॉग लैंप चेक कर रहे हैं कि उसका स्विच कैसा है कैसा नहीं है, ऐसे थोड़ी सी खोल के यहाँ से निकल जाएगा फिर। और देखो दो बंदे हमारे उधर बैठे हैं, ये पता नहीं क्या सर में क्या गुजार रहा है। ये देखो यहाँ पर हमारे वाले ना थोड़े लो हैं तो इसमें कुछ दिखता नहीं है, अगर वाइट लाइट लगवा लेंगे तो फॉग लैंप फिर फॉग में काम ही नहीं आएगी, उससे कुछ दिखेगा ही नहीं, इसलिए हमें फॉग लैंप ही चाहिए पर ज़्यादा ब्राइट वाले। अभी देखते हैं कैसे लाते कैसे नहीं लाते, साइड में तो खोल तो रहे हैं, सीट कवर भी चढ़ गए हैं थोड़े थोड़े। और ये देखो ऐसे गाड़ी की तगड़ी लग रही है, ये भाई चेक कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखो खोल खाल के। और ये देखो सीट कवर भी लगने ही वाले हैं, मैं थोड़े आगे के तो लग गए पीछे के रह रहे हैं। ये देखो, और देखो अंकित भी आ गया था हमारे पास ऑफिस से, हमें पुनीत
और मामा आए थे यहीं से डायरेक्ट आ गया था। तू खुजा क्या रहा था अभी बालों में? जो रे और वहां लद्दाख ट्रिप से आए थे ना, तो देखो इसका फोन टूट गया। खोल मेरे तो टूट रहे वो बात ठीक है, लेकिन इसका देखो, इसका भी फोन टूट गया। ये देखो पूरा टूटा पड़ा है। आईफोन आने वाला है। कब ले रहा है? इस बार की बिलियन डे से। कब है? अक्टूबर नवंबर में। तो अभी कुछ दिन बाद गुड न्यूज आ जाएगी अंकित के लिए, अक्टूबर नवंबर में जब भी होगी। तो गाइज अभी हमारी गाड़ी के फॉग लैंप आ चुके हैं दूसरे वाड़े, अब ये लगा रहे हैं, बस थोड़ी देर में लग जाएंगे। और मच्छर बहुत काट रहे हैं, सीट कवर भी लगने वाले बस थोड़ी देर में। और ये देखो गंदी कितनी हो रही है यहाँ से। ए इसमें तो लाइट है और इसमें है फॉग लैंप। ये देखो अभी निकाल रखे हैं यहाँ से, आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा। ये भाई लगा रहे हैं, लग जाएंगे ना जब दिखाऊंगा। आपकी रोशनी तो आपने पहले देख रखी होगी दूसरे व्लॉगों में। ये देखो इसकी रोशनी देखो कितनी सही हो रही है, पहले वाली की नहीं थी इतनी। एक तो लग गई है अभी। तो गाइस अभी देखो इसमें फॉग लैंप लग गए हैं, वो अभी थोड़ी देर ये जला रहे हैं। तो गाइस अभी हमें दिन से रात हो चुकी है, लेकिन हमारे सीट कवर नहीं लगे। फॉग लैंप तो लग चुके हैं पर सीट कवर नहीं लगे अभी। आगे के लग गए और पीछे के ऊपर वाले चढ़ गए, नीचे वाले देखो सीट वो पड़ी ये रही, अभी नहीं लगे इसके। और यहाँ अभी हमें भूख भी लगने लगी है थोड़ी थोड़ी। अभी फॉग लैंप दिखाता हूँ आपको, जलाइए फॉग लैंप एक बार। तो गाइस इसके फॉग लैंप देखना है, अभी फॉग लैंप नहीं लगवाए हमने। ये देखो अब कितना उजाला आ रहा है उससे। ये देखो ये वाले हैं जो, ये तो ऊपर तो लाइट है, नीचे वाले फॉग लैंप लगवाए हैं। पहले वाले में तो कुछ दिखता ही नहीं था, इसमें सब चीज़ दिख रही है अब। तो फाइनली भाई हमारा ये वाला सीट कवर भी आ चुका है, ये लेके आ गए हैं। अब थोड़ी देर में बस चढ़ने वाला है। क्या हो गया? ये देखो इस पर भी चढ़ने वाला है। ये क्या हो गया यार, इतनी देर में तो लाए, ये भी फिट नहीं आ रहा। तो अभी यहाँ पर हमारा सीट कवर तो आ चुका है, लेकिन पूरी सीट पर आ नहीं रहा है। हाँ वही तो कह रहा था मैंने, उनकी तो जगह बनाई नहीं है, उसके बाद सीटी बाहर आ जाएगी। वही तो अभी इसमें और जगह भी लगनी है। गाइस अभी चौथी बार में हमारी सीट का कवर सही बन के आया है, चौथी बार में, इससे पहले नहीं आया था ठीक बन के। और अभी हमें भूख भी लगने लगी है। देखो ये यहाँ खड़ा है, वो भी खड़ा, बैठे बैठे खड़े खड़े परेशान हो गए हैं। तो गाइस टाइम देखो अभी 10 बजने वाले हैं और यहाँ गाड़ी का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मुझे परेशान कर दिया, मैं बाइक से आऊंगा। देखो और उस्ताद जी नाराज होकर चले गए, तो भाई पे सीट नहीं लग रही इतना, इतनी कम 5-6 घंटे तो हो गए होंगे हमें और ज्यादा। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ? आज बिलोनी से आए, हमारे व्लॉग में कैसा लग रहा है आपको? आपकी फीलिंग क्या है, फीलिंग बताइए, थोड़ी सी टिप्पणी दीजिए। अभी भी कम से कम 1 घंटा लगेगा अभी पूरा काम होने में। फॉग लैंप भी शुक्र मनो, फॉग लैंप जल्दी लग गए, सीट लगी लगा ही नहीं पा रहा भाई। झूठ बोल रहा है, अभी तो लगाएगा भाई। हाँ फॉग लैंप तो जल्दी लग गया, तो देखो पूरे पे पसीना पसीना ही हो रहा होगा मुंह पे सबके पे। ये देखो अभी जल्दी लग जाए, फिर खाना खाने भी जाना है। और इस भाई को देखो, यहाँ 3 घंटे से लगा पड़ा पर भाई पे भी सीट नहीं लगी है। कैसी हालत है भाई? है बढ़िया। कितना टाइम और लगेगा? हैं? जो लगे यार, ऐसे मत कहो, मैं घर भी जाना यार, भूख भी लग रही है अभी। भाई को देखो पूरा नसीब पसीने में नहाया हुआ भाई, जल्दी करवा लेते काम इनसे। तो गाइस अभी हमारे कवर वगैरह, कवर सीट वगैरह सब चीज लग चुकी है, अब जा रहे हैं हम घर, अब घर पर जाके मिलेंगे डायरेक्ट। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम घर पे और अभी हमें लग रही है बहुत तेज भूख, हम जा रहे हैं अभी खाना खाने। मामा गए अपना थोड़ा सामान लेने, निकल तो जाएगी, पी भी कर रहा है। मामा सामान लेने गए, मामा वहीं वहां निकल जाएंगे वेव सिटी और हम आ जाएंगे घर पे। अब बहुत तेज भूख लग रही है, वहां इतना टाइम लगा दिया ना उन्होंने, मुझे तो लग रहा पहली बार ये वाली गाड़ी मिली थी उन्हें। तो मिलते हैं आपसे अभी, अब सुबह ही मिलेंगे आपसे, ठीक है? तो गाइज हम रात में 12-12:30 बजे तक हम घर पहुंच गए थे, खाना वाना खा पी के।
और इस व्लॉग को करते हैं पर एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। और ये देखो, ये भी हमारे साथ था कल पूरे दिन, इसकी भी रील बन गई होगी। कुछ अपना वो बताए कैसी हालत थी कल? कल की हालत मुझे मत भाई, कैसी थी? हाँ। देखो इसने ये चश्मा लगा के बैठा है, उतार दिया इसकी ना आंख में, ये देखो ये गुहेरी सी हो रही है, मतलब कुछ दाना वगैरह हो रहा है। सही है, ये देखो सही हो जाएगा ये थोड़े बहुत दिन में। गांव 20 साल हो गए, आज तक इतना खड़ा रहो, इतना कल खड़ा हो खड़े 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 ऐसा इतना कल हम करोल वाक गए थे ना गाड़ी काम करवाने, तो वहां बैठे रहते बैठे 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 ही परेशान हो गए, खड़े 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 भी परेशान हो गए। तो इस ब्लॉग को करते हैं एंड, लाइक कमेंट शेयर, बाय।